बाबा जा रहा है, यस बाबा जा रहा है, बाय बाय। हंसी आ रही है जाते जाते। आज यस गांव जा रहा है और बच्चे खूब रो रहे हैं। श्रेया का चेहरा देखिए, लव भी सुबह रो रहा था कि मुझे गांव जाना है, और उसे समझाया गया है कि ये लोग दवा के लिए जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। बट श्रेया को पता है कि ये लोग गांव जा रहे हैं, इसलिए देखिए कितना रो रही है। यह यश के लिए रो रही है। और ऐसा ही होता है, ये लोग गांव से वापस आते हैं तब रोते हैं, या गांव से कोई आता है जैसे दादी बुआ या मौसी, और जब ये लोग वहाँ से वापस जाते हैं तो ऐसे ही रोते हैं। और शाम तक इसने रो रो के अपनी आँखें सुजा ली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद पैशन। फ्रेंड्स, कल मौसी चली गई तो बच्चे बहुत उदास थे, और हम लोगों ने वादा किया था कि कल हम कहीं घुमाने ले जाएंगे। सो ये वादा पूरा करने के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं जहाँ हमने कहा था। तो हम आ गए हैं GHB मॉल। एक बार और हम लोग पहले आए थे, बच्चे नहीं आए थे, तो उनको हम लोगों ने बोला कि चलो कल वहीं लेकर चलते हैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे राइडिंग हैं, गेम्स हैं। सो हम लोग वहाँ लेकर आए हैं ताकि बच्चे आज इंजॉय करें और थोड़े से खुश हो जाए, क्योंकि अभी वो लोग दुखी हैं, बाबू को याद कर रहे हैं अभी भी। और यहाँ देखिए लो जो है, इसीलिए तो आया ही था कि मुझे झूला पे झूलना है, तो आते ही ये लोग इस आइसक्रीम वाली एक राइडिंग थी इस पे ये लोग घूम रहे हैं। और उसके बाद एक इधर है पांडा वाला, और ये लोग यहाँ आकर काफ़ी खुश है। इसके बारे में तो इन लोग को पहले से ही पता था, तब से पूछ रहे थे मम्मा कब जाना है, बट आज यहाँ आकर ये लोग काफ़ी खुश लग रहे हैं। ये देखिए लोगों को इस पे भी घूमना है, उस पे भी घूमना तब से किए जा रहा है। अभी हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं, और नीचे का जो पोर्शन है काफ़ी बड़े में है, बहुत सारे स्टोर हैं, लेकिन हम लोग किसी स्टोर में नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं राइडिंग कराने, तो नीचे कार वाली राइडिंग है जिसमें दोनों लोग अभी घूमेंगे। फ्रेंड्स, ये एक पांडा वाली ट्रेन है, और इस पर मैं भी बैठी हूँ बच्चों के साथ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इसी में बैठ के ही मैं सारा वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ कि क्या क्या इसमें स्टोर है। लेकिन मुझे यहाँ सबसे अच्छा लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए गेम और राइडिंग है, और उसके साथ खाने पीने की बहुत ज़्यादा यहाँ चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे स्टोर। नीचे मैकडॉनल्ड है, फिर ऊपर फूड कोर्ट है, फिर सबसे ऊपर बारबिक नेशन है, तो बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है। मुझे अच्छा लगा ये सारी चीज़। अभी हम लोग आए हुए हैं गेमिंग जोन में, और यहाँ पे बहुत सारे गेम हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे बड़े छोटे हर तरह के बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग 10 दिन पहले आए थे उसमें, और अभी में गेम के जो टिकट्स हैं डबल हो गए हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने टिकट ले लिया, और देखते हैं किन लोग के लायक कौन सा गेम है और ये लोग क्या खेलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार रेसिंग गेम है, ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, जैसे कि 10 से 12 साल के लिए। और यहाँ पे मैं लव से पूछ रही हूँ कि उसमें कितना मज़ा आ रहा है, तो बोल रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे हाथ से दिखा रहा है कि इतना। और फिर मैंने श्रेया से भी पूछा तो उसने भी बोला कि बहुत ज़्यादा, ये लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, आज इनका दिन है। और उसके बाद ये देखिए लव ये वाला गेम खेल रहा है, ये छोटे बच्चों के लिए है, कार रेसिंग है ये भी, तो इसने बहुत अच्छे से खेला, क्योंकि दिन भर ये खेलता रहता है ना मोबाइल पे, जिसे पता है, और एकदम कंसंट्रेट होके खेल रहा है। और इसने काफ़ी इन्जॉय किया, इससे मज़ा भी आ रहा था, और उसके बाद बोला मुझे और खेलना है। उसके बाद ये टेडी बेयर वाला गेम श्रेया ने खेला, पिछली बार जब मैंने खेला था तो ये 30 रुपीज़ का था, आज ये 60 रुपीज़ का इसका टिकट है, और इसे मैं गाइड कर रही हूँ बट ये खेल नहीं पाई, हार गई। और अभी हम लोग आ गए हैं फूड मार्ट में, और घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमने सोचा चलो यहीं से लेते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, सर्फ, साबुन, जो भी घर की यूज की चीज़ें हैं वो हम यहाँ से लेंगे। और मॉल में आने का क्या होता है कि अगर हमें 5 चीज़ें लेनी है तो हम 10 चीज़ें लेकर जाते हैं, क्योंकि सामने दिखता है तो होता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, इधर देखिए सारे
ये सब्जियाँ लगी हैं, फ्रूट लगे और ड्रैगन फ्रूट, इसको देख के बच्चे इतने खुश हो गए कि नहीं मुझे लेना है लेना है। मैंने बोला चलो जाते समय ले लेना, और उन लोगों ने एक इसमें से लिया और काफ़ी महंगा था ये। और यहाँ से इन लोगों के लिए मैंने फ्रेंच फ्राई लिया, कई दिनों से लॉग हो रहा था मुझे फ्रेंच फ्राई खाना है, सो मैंने यहाँ से एक पैकेट फ्रेंच फ्राई लिया कि चलो इसको घर पर बना के खिला दूँगी। और ये देखिए लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये ट्रॉली लेकर चल रहा है। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, oh, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. और अभी मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई लेकर जा रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत दिनों से बोल रहा था मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राई खाना है। सो मैंने सोचा चलो घर के लिए तो लिया ही है, फ्राई करूँगी यहाँ पे भी। अभी जस्ट इनको अभी खिला देती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हैं ये फूड कोर्ट में, और हमें बारबेक्यू नेशन में अभी खाना है, बट अभी हम लोग वहाँ गए थे, बंद था, 6:15 बजे खुलेगा, तब तक हम लोग यहाँ आ गए। और लोग बहुत दिनों से फ्रेंच फ्राई खाने को कह रहा था, तो आगे चलो तब तक इनको फ्रेंच फ्राई खिला देते हैं, और हम लोग तब तक टाइम पास हो जाएगा, 6:15 बजे का, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। आज बारबेक्यू नेशन में हम लोग डिनर करने वाले हैं। फ्रेंड्स हम लोग उधर भी बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ, मैंने सोचा चलो बच्चों की फ़ोटो वगैरह क्लिक कर दी जाए। और मैं तो पिछली बार आई थी तो कराई थी, और आज भी कराया, और इस तरह से हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं। और ये नीचे का जो फूड कोर्ट है काफ़ी बड़े में है, जैसे बर्गर किंग बहुत अलग अलग से यहाँ ब्रांड है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का सीन है, और नीचे फाउंटेन उधर लगा हुआ है, और ये कैफेटेरिया है जहाँ कॉफ़ी टी सब पी सकते हैं। अभी टाइम हो गया हमारा बारबेक्यू नेशन में जाने का, 6:10 हो गए हैं, और ये ओपन हो गया है, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। और देखिए हमारी शॉपिंग, ये झोला काफ़ी भारी हो गया है, और ये कहीं जमा भी नहीं हो रहा था, सो लेकर इसे हम लोग घूम रहे हैं। और ये देखिए मेन एंट्रेंस पे कितने अच्छे से डेकोरेशन किया गया है दिवाली के थीम पे, और हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सारे टेबल और चेयर्स को सैनिटाइज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम था। और अंदर का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिवाली के लिए यहाँ डेकोरेशन हो चुका है, और ये जो आर्टिफिशियल प्लांट लगे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा सैलेड एंड फ्रेंच फ्राई, और शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ हो गई है। अभी स्टार्टिंग में हमें ये कॉर्न मिला हुआ है, और काफ़ी टेस्टी है। यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ चुका है, हमने नॉनवेज पैकेज लिया हुआ है, इसमें ये फिश है, ये चिकन है, और ये प्रॉन है। अच्छा ये है सेमी कबाब, ये है सीख कबाब, और ये सारा आइटम ये लोग गरम गरम यहाँ सर्व कर रहे हैं, और हमें जो पसंद आएगा वो हम और ले सकते हैं। अनलिमिटेड है जो हमारा पैकेज, उसके अंदर आप अनलिमिटेड खाइए। ये अभी हमारा स्टार्टर है, उसके बाद अभी आगे मेन कोर्स है, वही मैं दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे हमें रोस्टेड चिकन विंग्स मिला हुआ है। फ्रेंड्स आइए मैं दिखाती हूँ कि स्टार्टर के अलावा और क्या क्या इनके पास। ये सारे सैलेड के वैरायटी हैं, अलग अलग टाइप के, बहुत यमी यमी है। और नीचे अचार चटनी सब कुछ है, और उसके बाद यहाँ ये गुलाब जामुन है, ये हलवा है, हलवा काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद ये दो तरह की आइसक्रीम है, या आइस वनीला है, और ये चॉकलेट फ्लेवर है। उसके बाद ये देखिए सारे डिज़र्ट अलग अलग टाइप के, और फ्रूट भी हैं इसमें। उसके बाद मेन कोर्स में है ये चिकन बिरयानी, ये ग्रीन वाली फिश है, शायद चिली फिश है, और उधर ये चिकन ग्रेवी है।
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है कीमा और चिकन ग्रेवी यहाँ पे, उधर कुछ और था, बहुत सारे आइटम हैं, और ये चिकन सूप है, और इधर बच्चे जो हैं डिज़र्ट पे लगे हुए हैं, उन लोगों को केक और पेस्ट्री अच्छा लग रहा है। इधर वेज में है पनीर और चावल दाल और बहुत सारे उसमें नाम, यहाँ पे चाउमीन है और ये पनीर चिली पनीर है, और ये है वेज बिरयानी, आइटम बहुत सारे हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों को आइसक्रीम खाने में लगे हुए हैं, इन लोगों को सर्दी जुकाम हुआ है फिर भी ये लोग लगे हुए हैं। एंड फ्रेंड्स इनका सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा इनकी, और यहाँ पे मैं हलवा खा रही हूँ और स्टार्टर से ही पेट इतना भर गया कि मेन कोर्स हम लोग नहीं खा पाए, बस थोड़ा सा मैंने बिरयानी लिया था। और ये रहा डिज़र्ट, डिज़र्ट भी मैं पूरा नहीं खा पाई और क्योंकि पेट एकदम फुल हो गया था। और ये है खीर, खीर काफ़ी टेस्टी थी, इसको मैंने खाया था। उसके बाद ये देखिए बच्चे चाउमीन खा रहे हैं और ये लोग भी थोड़ा सा खा के छोड़ दिए क्योंकि ये लोग का भी पेट फुल था, कह रहे थे एकदम खाने की इच्छा नहीं है, सबका पेट एकदम भर गया। और ये देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, सब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये बाहर का सीन एकदम अंधेरा हो गया है। फ्रेंड्स ये कुल्फ़ी काउंटर है, बगल में ही गोलगप्पा काउंटर है, श्रेया ने गोलगप्पे भी खाए। और इनके यहाँ ये सिस्टम नहीं है, जैसे हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं चार लोग हैं, दो तीन आइटम हम ऑर्डर करते हैं और सब लोग खाते हैं। इनके यहाँ है पर पर्सन 800 रुपये इनका चार्ज है, और आप अनलिमिटेड खाइए, जितना आपको खाना है खाइए, जितने लोग हैं उतने लोग को चार्ज यहाँ देना पड़ेगा। और 6 से 9 साल के अगर बच्चे हैं तो उनका भी हाफ चार्ज लगेगा, तो इस तरह से इनका सिस्टम है। और इनके खाने का जो टेस्ट था काफ़ी अच्छा था, इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी, बार बार आकर ये पूछ रहे थे और काफ़ी अच्छी सर्विस दी। बस हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं, हमारा डिनर हो गया है और काफ़ी इंजॉय किए, काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं, नीचे आ गए हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। एंड टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और अभी बच्चों के ट्यूशन वाले सर आने वाले, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। और नीचे देखिए मैकडॉनल्ड है और यहाँ पे बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाई, बाबू बोला मुझे जोकर के साथ फ़ोटो खिंचवानी है। एंड फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।